आज हम बनाएंगे 40 एड़ियों के लिए मलहम। एक कटोरी लेंगे, उसमें हम आधा कटोरी करू तेल डालेंगे। आप जितना भी बड़ा कटोरी ले आप अपने अनुसार बना सकते हैं। 50 ग्राम, 100 ग्राम का भी बना सकते हैं, 25 ग्राम का भी बना सकते हैं। ये मैंने लमसम 25 ग्राम करू तेल होगा, इसमें हम एक कैंडल को तोड़ के डालेंगे। इस तरह से एक कैंडल को इस तरह से तोड़ के इसमें हम डाल देंगे। इजीली कैंडल ये टूट जाता है। इस तरह से अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे कैंडल को। ये आप देख सकते हैं कैंडल धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। आप एड़ियों को अच्छी तरह से साफ करके ब्रश से, और इस मलहम को आप सुबह शाम या रात को सोते समय तो जरूर लगाना है। आप चाहे तो दिन में भी इसे एक दो बार लगा सकते हैं, जब आप दोपहर को आराम करें तो। इसे एड़ियां जो भी फटी हैं वो जल्दी भरने लगती हैं। और दूसरा, अगर किसी को चोट लग जाए उस चोट पर, ये भरने का बहुत अच्छी तरह जल्द। आप देख सकते हैं कैंडल मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम एक एक कपूर को तोड़ करके ऐड करेंगे इसमें। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पिए धीरे धीरे ठोस हो जाएगा। इसे गैस से हमने उतार दिया है, इसे हम ठंडा होने देंगे। अगर किसी का सर भी फट जाता है तो वहाँ अगर इस तरह से पेस्ट बना के लगाएंगे तो वो जल्दी उसको भरने में मदद करता है। बहुत असरदार ये उपाय है। एड़ियों को भी जल्दी भरता है, और अगर किसी का सर फट जाए, बहुत ज़्यादा गहरा घाव हो, तो उसको भरने में ये बहुत अच्छा उपयोगी मलहम है। ये हमारा ठंडा होने पर मोम जम चुका है। आप देख सकते हैं इसे के डब्बे में बंद करके हम रख देंगे। ये बहुत ही कारगर है एड़ियों के लिए। अगर किसी का सर फट जाए तो हीलिंग को भरने में ये बहुत ही असरदार ये मोम है। इसे जरूर लगाएं। आइए हम लगा के इसे एड़ियों पर दिखाते हैं। इसे इस तरह से ले करके एड़ी को अच्छी तरह से साफ करके रात को, सुबह या आप जब भी इच्छा हो, जब भी आपके पास टाइम हो, इस तरह से आप पैरों में लगा सकते हैं। और लगा करके अच्छी तरह से मिला दें। आप चाहे तो पूरे एड़ियों में इस तरह से लगा सकते हैं। और लगा के अच्छी तरह से मिला देना है, और एक जगह पे 10-15 मिनट के लिए बैठ जाना है, ताकि ये मलहम अच्छी तरह से एड़ियों में अच्छी तरह से मिल जाए। रात को इस तरह से लगा के सोएंगे तो एड़ियाँ जल्दी भर जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हीलिंग इसकी हो चुकी है, कितना मुलायम और सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको लाभ हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।